नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बिजली संकट गहराता जा रहा है क्योंकि उद्योगों को 7 घंटे की बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो रहा है और आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। बिजली कटौती के ये फरमान के बाद सरकार के इस फैसले की आलोचना बढ़ रही है। ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 25 जून की रात्रि से 7 घंटे बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। राजस्थान में बिजली संकट का असर अब व्यापक रूप से देखने को मिलने लगा है। मई और जून में भीषण गर्मी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती से प्रदेश की जनता परेशान थी। सत्ता पक्ष के कई विधायकों और मंत्रियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में बिजली कटौती होने पर उसे सुचारू करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। अब उद्योगों पर भी बिजली संकट का असर पड़ा है। राज्य सरकार ने मंगलवार यानी कि 25 जून की रात्रि से 7 घंटे बिजली कटौती शुरू कर दी है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के उद्योगपति सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि रोजाना 7 घंटे कटौती होने पर 30% उत्पादन घटेगा, जिसका सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ेगा। ऊर्जा विभाग के आदेश के मुताबिक जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम क्षेत्र में 7 घंटे की नियमित कटौती करना शुरू कर दी है। रात्रि 8 बजे से लेकर आधी रात के बाद तड़के 3 बजे तक बिजली सप्लाई नहीं होगी। कोल्ड स्टोरेज जैसे उद्योगों बिजली कटौती में 50% की छूट दी गई है। साथ ही NCR क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त सचिव का कहना है कि प्रदेश में बिजली खपत 20% बढ़ गई है। ऐसे में एहतियात के तौर पर बिजली कटौती के कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल जून में बिजली की मांग प्रतिदिन 2200 लाख यूनिट थी, जो इस बार बढ़कर 3500 लाख यूनिट हो गई है। जयपुर के व्यापारिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र व्यापार मंडल के अध्यक्ष जगदीश सोमानी का कहना है कि प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है, ऐसे में बिजली कटौती का आदेश निकाला जाना समझ से परे है। सोमानी ने आगे कहा कि बिजली कटौती से उद्योगों को भारी नुकसान होगा, 30% तक उत्पादन घट जाएगा, ऑर्डर पूरे करने में परेशानी होगी और तैयार माल की डिलीवरी नहीं कर पाने से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। VKI और सीतापुरा क्षेत्र के 40% उद्योगों में 8 से 10 घंटे, 40% क्षेत्र में 16 से 20 घंटे और 20% क्षेत्र में लगातार 24 घंटे उत्पादन होता है। बिजली कटौती से इन उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बिजली विभाग का नया फरमान आज से लागू है। 7 घंटे बिजली कटौती का फरमान ये जारी किया है। बता दें कि रात्रि 8 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बिजली कटौती अगले आदेश तक जारी रहेगी, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां बिजली का संकट देखने को मिल रहा है।